तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो है जो सोनी देव जी का मूर्ति था उसको तोड़ दिया गया है और उस पर जामो थाना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुजरिम को छोड़ा नहीं जाएगा, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम बहुत सारा कमरा मतलब हॉल जैसा ये है, उसमें एक लेटरिन बाथरूम का भी व्यवस्था है और एक बड़ा बढ़िया उदाहरण का व्यवस्था है। तो हम मनोज जी से आग्रह करेंगे, यहाँ के सभी जनता लोगों से आग्रह करेंगे कि सभी लोग एक पेटीशन मनोज जी बनाए, उस पर हम लोग सभी लोग एक दिन और मीटिंग करके साइन करके विधायक और एमपी को हम लोग सामूहिक 200 के जनसंख्या में हम लोग पत्र दें। मजाल है कि विधायक और एमपी ना कह दें, मैं गारंटी देता हूं कि चाह कर भी ना नहीं कह पाएंगे और ये योजना क्रियान्वयन हो जाएगा। जब सब कुछ सत्ता हमारे हाथ में है, बजरंग दल हमारा, बीजेपी हमारा, युवा दल हमारा, सब कुछ हमारा, तो फिर कहा क्या है कि मेरा भी थाना प्रभारी से बात हुआ, लेकिन वो यही बात बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं, 10 दिन में क्या किए, सारे लोग जाने कि क्या कार्रवाई हो रहा है, क्या नहीं हुआ, कौन इसमें आरोपी है, कौन बेगुनाह है, सबको पता चलना चाहिए। तो दो चार लोग जाके मिले थाना प्रभारी से, उनसे समय लें आगे क्या करना है उसके बाद। क्योंकि आप सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े, क्योंकि आज हम लोग बहुत दिन से हम लोग जैसे सीतामढ़ी हम रंजन जी गए थे सीतामढ़ी में, हम लोग चर्चे किए रास्ते में कि हम लोग चलेंगे, पहले जाके थाना पर पूछेंगे भाई क्यों नहीं करवाई था, हो सके तो बड़ा को बुलवा लेंगे, इतना भीड़ हम थाना पर जाएंगे, यहीं पर बुलवा लीजिए, सही बात है। 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है और 15 अगस्त के बाद अगर हम समय देते हैं तो उनको समय दे दिया जाए, उस समय से हर एक दिन भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर एक दिन भी समय ज्यादा बढ़ाते हैं या तो थाना छोड़ के चले जाएं या तो पूरा जाम बंद कर देंगे, चक्का जाम, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं बड़ा उनसे बात करें, अगर चलिए 15 तारीख को मैं छोड़ देता हूँ, 16 तारीख के बाद अगर कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसका जिम्मा स्वयं बड़ा होगा। जितना दिन का टाइम लेंगे उतना दिन उनको टाइम दिया जाएगा, लेकिन उसका अगला दिन हमारा होगा, अगला दिन चाहे जो भी अगला दिन हमारा होगा हम करेंगे। अगर आप लोगों का जो विचार आएगा उसी के अनुसार चलेंगे, एक सिपाही बनकर। अगर किसी को लाठी चलाना होगा, गोली चलाना होगा तो पहले हमारे सीने में लगा, इसके बाद किसी जामो वाले को बने। एक थाना प्रभारी 80 गांव को कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है, समाज में भय फैलाएगा, कानून का भय है कि आप गलत कीजिएगा तो गिरफ्तार होइएगा। तो पंडित जी 24 घंटे यहाँ रहे, उनको कोई दो धापड़ मार कर राम जी का मूर्ति उठा कर लेके चला जाए तो समाज में भय नहीं है। पहले तो सबसे जरूरी अपराधी को गिरफ्तार किया, छोटी सी घटना है लेकिन उसको गिरफ्तार करना जरूरी है। हम खुद मतलब चाहते हैं कि जो भी ये काम किया है वो उसका कहीं से मतलब पनिशमेंट होना चाहिए, होना चाहिए। खुद एक दिन हम खुद आए थे कि यहाँ पे क्या कि एक आदमी पकड़ाए भी, तो पंडित जी थे उनसे भी हम गाय लिए कि कहते नहीं मेरे ही थे कहीं, तो उस दिन भी विरोध करने वाले में से थे भी, विरोध क्या मतलब कि जो तोड़ा है उसका विरोध करने के लिए, ठीक है। फिर उनको हमने फोन भी दिया, ठीक है, तो उस पर तो लगे हुए दो जगह क्या कुछ तरह का संकेत अभी मिल रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए अभी छापेमारी कुछ नहीं चला कि कोई जो नहीं काम किया वो अगर मिल जाते हैं उनसे काम बेगुनाह तो नहीं पता, बेगुनाह को सर नहीं पता, कहीं उचित नहीं। और ये भी हम लोग के बीच में हुई, ये भी हम कहे कि जो भी हम लोग से बनता है नए मूर्ति का भी हम लोग एथिक करें, ठीक है, बोले थे अरे थाना से भी जो यथासंभव जितना हो सके उतना हम लोग भी हेल्प करेंगे, कदम में कदम मिला के हम करेंगे, ठीक है, उसमें कहीं अथी नहीं। जहाँ भी जब भी जरूरत हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे 2 बजे रात हो, इसमें त्याग है, हम तो विश्वास भी दिलाए थे, ठीक है, कुछ दिन के बाद आपको क्या उसके हम खड़े उतर के हम बता भी देंगे, ठीक है। यही आपसे उम्मीद है कि सर इस पे खड़े उतरेंगे और रिजल्ट हम लोग को जल्दी मिलेगा, थोड़ा शांति से थोड़ा सा ध्यान से, जो गलती किया है उसको सजा हम लोग को दिलाना है जी, और उसमें पूरी तरह से आप लोग की भूमिका होनी चाहिए।
क्योंकि हम नए हैं तो हमें तो अभी पूरा अथी है नहीं कि किनका घर कहाँ है। तो हाँ, क्या एफ आई आर हो चुकी है? हाँ सर, क्या आप बता सकते हैं इसको कौन सी धारा लगाई है? आप तो कल आइए, क्या अभी चलिए, अभी उसका एक नकल आपको हम दे देंगे, ठीक है सर? आप बोले हैं कि मूर्ति लगवा देंगे, फिर ठीक है, आप राजीव गिरफ्तार नहीं कीजिएगा, मूर्ति लगवा दीजिएगा, फिर दोबारा बढ़ा रहे हैं, लगी रहे नहीं, ये सहयोग कर रहे हैं, जाना चाहिए लोग, हम सर गलत किए हैं और गलत हमारा। अरे वो बात नहीं कर रहे ना, वो बात हम ये नहीं कर रहे ना, मूर्ति लगवा देंगे ये बात हम नहीं कर रहे ना। आप भी बोले थे खंडित मूर्ति को नहीं पूजा किया जाता है, उसमें ये हुआ कि आप लोग, लेकिन जो अब केस हुआ है तो उसका तो सजा यदि करना ही है ना, उसका अनुसंधान तो करना ही है ना, जो गुनाह किए अनुसंधान सजा जरूरी है। वीरेंद्र सर को दिया है, इसमें जो सबसे मतलब माहिर है, अच्छे अनुसंधानक है, उनको दिया गया ना। ये भी नहीं है कि किसी अरे गहरे चाहे जो नए हैं उनको नहीं दिए, वो भी काफी मजे हुए खिलाड़ी है ना। ये भी बात हम कहने वाले थे कि आप सर में है, आपका पूरा स्टाफ तो पूरा ना है, पैसा तो नहीं, आप में है दूसरा चार सर में, इतना जल्द से हो, जल्द से जल्द हम उसको गिरफ्तार करें। सिर्फ एक बात मैं अपना रखता हूँ, हाँ हाँ, थोड़े दिन पहले की घटना है, जामो थाना के सरिया गाँव, वहाँ भी हनुमान जी का मूर्ति का खंडित किया गया, वो आज 9 महीने हो गए, आज तक कोई पकड़ा नहीं किया। इस अनुसंधान के चलते, इस व्यवस्था के चलते लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमें तो मतलब इतने शर्म आती है कि मुझे कि थाना और मंदिर में कहीं फर्क नहीं है, मतलब जो बगल की दीवार है, ठीक है ना, वो उसके बावजूद भी यहाँ कांड हो गया, ठीक है। हमें तो अपने अथी होता ना, जो कांड करने वाला वो कैसा आदमी है, ये भी है कि वो कोई दूर का नहीं है, आस पास के ही है, आस पास के ही है, वो जानता है कि मंदिर में मस्जिद, वो जानता है कि मतलब इस समय हम करेंगे, चाहे इस समय पंडित जी नहीं रहते हैं, चाहे यहाँ पे इस समय लोग नहीं रहेंगे, हम निधार का मजा में दूर से लोग नहीं आएगा, यानी आपकी पहचान नहीं पहचाने में जब इधर भी लगवा दिया जाता तो अच्छा रहता। परिसर में CCTV कैमरा लगाना है, उसके लिए सबको सहयोग करना होगा, ठीक है, ताकि हमारे पुजारी जी का भी सुरक्षा तय हो जाएगा। एक कोरोना काल था, ये सब नहीं, सब चीज हुआ था। आप बताइए कि मंदिर पर हमला कर दिया जाता है, सरकारी स्कूल है वहाँ, काली मंदिर का रात हम कहते हैं सर, उसमें 4 बजे शाम को थोड़ा सा अगर ड्यूटी के हिसाब से आपके पास अगर ऑप्शन हो तो एक बार पेट्रोलिंग जरूरी है वहाँ 4 बजे शाम को, और वहाँ सामाजिक वहाँ दारू पीता है सर, बीड़ी पीता है, वहाँ गांजा पीता है सर, वहाँ अफीम वगैरह का सब रहता है, नया सब लड़का है और दूसरे बिरादरी सब लोग हैं, यहाँ भी कमों पर यही हाल है, चबूतरा पर यही होता है सब खेला यहाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु भद्राणि पश्यन्तु, किञ्चित् दुग्भाग् भवेत्, ओम शांति शांति। डायरेक्टर साहब हमारा भी फोटो ले लीजिएगा, बहुत जरूर। आप प्रसाद खा के जाए हम लोग, तो हम कर